नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर आपको बता रहे वर्ल्ड कप से जुड़ी बड़ी अपडेट, जहां भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच, अफ्रीका को जीत के लिए 327 रन का लक्ष्य यहाँ पर टीम इंडिया ने दिया है। भारत का स्कोर 326 पे 550 ओवर में ये जो है रन बनाए गए। विराट कोहली ने नाबाद 101 रन बनाए। तेंदुलकर के 49 शतक की बराबरी की। जन्मदिन पर कोहली ने शतक चढ़ा। श्रेयस अय्यर 77 रन उन्होंने बनाए और रोहित शर्मा ने 40 रन। रविंद्र जडेजा की अगर बात करें तो 29 रन बनाए गए। शुभमन गिल 23 रन। जडेजा ने 15 बॉल पर 29 रन बनाए। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं वर्ल्ड कप से जुड़ा। खबर आपको बता रहे वर्ल्ड कप का बड़ा अपडेट, जहां 101 रन की नाबाद पारी विराट कोहली ने खेली है। देखिए, उनका जन्मदिन है और सचिन की बराबरी करने पर उतारू है विराट कोहली। 39वां शतक है ये उनका और एक बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम जो है यहाँ पर दर्ज किया है। आपको बता दें कि अब जो है टीम इंडिया गेंदबाजी करेगी और आज का मैच अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प देखा जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पर टीम इंडिया ने रखा। देखना खास ही होगा कि साउथ अफ्रीका इस लक्ष्य को पार कर पाएगी या नहीं। 227 रन बनाने होंगे साउथ अफ्रीका को जीत के लिए। अब पूरा मैच जो है भारतीय गेंदबाजों पर टिका है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ नजारे अब हमें देखने को मिलते हैं। सबकी नजर इस मैच पर ही है, क्योंकि लगातार अगर टीम इंडिया ये मैच भी जीत जाती है तो लगातार जीतने वाली टीम इंडिया पहली टीम बन जाएगी और ऐसे में फाइनल्स के लिए काफी अच्छी खबर ये साबित हो सकती है। फिलहाल जो है एक बड़ा टारगेट यहाँ पर टीम इंडिया ने सेट किया है 326 रन का। तो चलिए, इसी के साथ इस खबर पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आज का मैच काफी ज्यादा दिलचस्प नजर आया। विराट कोहली ने अपना 39वां शतक जड़ा। जी, निश्चित तौर पर इस शतक का देश के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को लंबे अरसे से इंतजार था और इस वर्ल्ड कप में लगभग दो मौके ऐसे आए थे जब लगा था कि विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से वो उसको पूरा नहीं कर पाए। आज जब दक्षिण अफ्रीका से मैच जीतने के बाद भारत ने बल्लेबाजी चुनी और जिस फॉर्म में रोहित ने बल्लेबाजी की, उसके बाद जब वो जल्दी आउट हो शुभमन गिल, तो एक छोर से विराट कोहली कूटा गाड़कर खड़े रहे। उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ अपनी पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। श्रेयस अय्यर के बाद केएल राहुल आए, केएल राहुल ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। इसके बाद हमने देखा कि वो एक छोर पर डटे रहे और दूसरे छोर पर पहले सूर्य कुमार यादव आउट हो गए और इसके बाद जडेजा के संग उन्होंने पारी को आगे बढ़ाया और 48वें ओवर में सिंगल रन देकर उन्होंने अपना विकेट शतक पूरा किया। इस पूरे शतक में हमने देखा कि उन्होंने लगभग 10 बाउंड्री मारी, 10 चौके मारे हैं, बाकी रन उन्होंने सिंगल्स और डबल दौड़ कर ली। और जिस प्रकार की ह्यूमिडिटी क्रिकेट ग्राउंड पर वहां दिख रही थी, उससे साफ दिख रहा था कि वो कोई जोखिम भी नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर एक एंड पे अगर वो जल्दी आउट हो जाते हैं या कोई ऐसे रिस्की शॉट मारते हैं तो जिसके बाद आने वाले जो बल्लेबाज है उस पर उसका गलत असर पड़ सकता है या टीम ढह भी सकती है। जी, तो भले लोग ये कहें कि 350 रन की ओर बढ़ रहा था भारत और विराट कोहली थोड़ा धीमे खेले, लेकिन जिस प्रकार की पिच थी जो हमने देखा, उस पर टर्न था, जो उस पर बाउंस था और जो पिच धीमी थी, गेंद रुक के आ रही थी, ऐसी परिस्थितियों में इस पारी को हम कह सकते हैं विराट कोहली के जो वनडे करियर की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से ये एक है। और एक और उल्लेखनीय बात ये भी है कि विराट कोहली भारत के इकलौते ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने अपने जन्मदिन पर वर्ल्ड कप में शतक बनाई है। तो आज जो है विराट कोहली के फैंस के लिए भी काफी अच्छी खबर है, क्योंकि इंतजार था सबको उनके शतक जड़ने का, जो कि आज उन्होंने पूरा किया है। मनोज जी, अगर देखा जाए साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका भी अपने आप में एक मजबूत टीम है। अभी अगर हम उसके परफॉर्मेंस की बात करें तो काफी अच्छा परफॉर्म करते आ रही है। ऐसे में क्या लगता है, क्या चैलेंजेस होंगे अब टीम इंडिया के गेंदबाजों के लिए?
देखिए जो उनके जो हमने देखा जो लीडिंग विकेट टेकर गेंदबाज थे येनसन, जिनके खिलाफ जिस प्रकार से रोहित शर्मा ने प्रहार किया तो आखिर तक उस पिटाई से उबर नहीं पाए, तो उन्होंने हमने देखा कि जो नो ओवर की गेंदबाजी की उन्होंने उसमें वो खासे महंगे साबित हुए बाद में। हालांकि उन्होंने जो चार गेंदे लुंगी एनीवीडी की जो चोटी लोकर चले गए डाली तो 9.4 ओवर में उन्होंने 94 रन दिए और मात्र एक विकेट उनको मिला। एक और जो उनके जो टॉप लीडिंग गेंदबाज थे लुंगी एनीवीडी जो वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी 8 ओवर 2 गेंद में 63 रन दिया और उनको भी एक विकेट मिला। सबसे किफायती गेंदबाज केवल केशव महाराज रहे, 10 ओवर में उन्होंने 30 रन दिए, एक विकेट लिया और उनके 10 ओवर में भारत के बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं पार पाए। और जो तरवेश शमशी थे जिनको हमने देखा कि काफी टर्न मिल रहा था गेंद, जिनकी काफी टर्न हो रही थी, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा रन काफी दिए और 72 रन उन्होंने लौटाए, एक विकेट लिया। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक अनुशासित गेंदबाजी का प्रदर्शन दक्षिण अफ्रीका की ओर से नहीं हुआ है। और अभी तक जो पूरे उन्होंने मैच जीते उसमें से हमने देखा कि दो मैच ऐसे थे नीदरलैंड के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ जब वो चेस कर रही थी दक्षिण अफ्रीका की टीम, तो नीदरलैंड के खिलाफ वो छोटा स्कोर भी चेस नहीं कर पाए तो हार गए थे, इकलौती वो हार थी। और पाकिस्तान के साथ वो कमोबेश हारने की कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन आखिरी विकेट के लिए शमशी और केशव महाराज की जो साझेदारी हुई थी छोटी थी, जिसके कारण वो बा मुश्किल जीत पाए थे। तो आज का ये पिच है ट्रिकी पिच है और जिसको हमने देख रहे हैं जो हमारे पेसर्स हैं कि खासतौर से शुरुआती ओवर जसप्रीत बुमराह खतरनाक साबित होते हैं, ओपनिंग जोड़ी को ज्यादा टिकने नहीं देते हैं। इसके बाद दूसरे छोर से हम देखते हैं मोहम्मद सिराज और उसके बाद 9वें-10वें ओवर में आने वाले मोहम्मद शमी और बाद में कुलदीप और फिर रविंद्र जडेजा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के लिए इस पिच पे 300+ का स्कोर चेस करना बहुत आसान नहीं रहने वाला। और अगर शुरुआती गेंदबाजी में सफलता मिल गई भारत को तो अब यकीन मानिए कि भारत की जीत आज के इस मैच में भी निश्चित है। बिल्कुल मनोज जी, अब देखना खास ये होगा कि क्या साउथ अफ्रीका इस लक्ष्य को पार कर पाती है या नहीं, और टीम इंडिया की अगर जीत होती है तो ये वाकई जो है पूरे भारत के लिए गौरव की बात होगी, लगातार जो है टीम इंडिया जीत दर्ज कराएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए खबर आपको दी वर्ल्ड कप का ये बड़ा अपडेट है और बड़ा टारगेट यहाँ पर टीम इंडिया ने सेट किया है साउथ अफ्रीका के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया के गेंदबाज क्या कमाल यहाँ पर दिखाते हैं।